2016 से पहले और 2016 से बाद की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है वो है गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई और क्लियरली डिफाइन की गई गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस के बनाने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि अब एक स्पष्ट रेखा खींच गई है कि कौन सी कंपनीज लीगल हैं और कौन सी कंपनीज इलीगल हैं, जिसकी वजह से एक आम आदमी आसानी से समझ सकता है कि कौन कौन सी कंपनीज मार्केट में भरोसे लायक हैं। इस वीडियो सीरीज में मैं आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग और उससे रिलेटेड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स की क्या डेफिनेशन दी गई है, इसके अलावा कंपनीज में क्या कंडीशंस लगाई गई हैं और ग्राहकों और डायरेक्ट सेलर्स के हितों की रक्षा के लिए क्या नियम बनाए गए हैं उस पर डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि गाइडलाइंस के अनुसार डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेलर, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और सेल्स इंसेंटिव, इन शब्दों का क्या मतलब है, यानी इनकी डेफिनेशन क्या है। नंबर वन, डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग मीन्स मार्केटिंग और सेल्स ऑफ गुड्स डायरेक्टली टू द एंड कंज्यूमर यूजिंग नंबर वन वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी, नंबर टू डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स, एंड नंबर थ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैम्फलेट्स। कंपनीज कैन ओपन पिकअप पॉइंट्स एंड डिलीवरी पॉइंट्स फॉर मेंटेनिंग इफेक्टिव डिलीवरी सिस्टम। इसे हिंदी में समझना, डायरेक्ट सेलिंग का अर्थ होता है सीधा ग्राहक को मौखिक प्रचार के द्वारा, प्रदर्शन के द्वारा या लिखित पर्चों के द्वारा प्रोडक्ट्स की जानकारी देना, प्रचार करना तथा बेचना, ये डायरेक्ट सेलिंग कहलाता है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स को ग्राहकों तक आसानी और कुशलता से पहुंचाने के लिए पिकअप पॉइंट्स और डिलीवरी पॉइंट्स खोल सकती हैं। अब इस डेफिनेशन का खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों के लिए अर्थ क्या है उसे समझना बेहद जरूरी है। इस डेफिनेशन के अनुसार खरीदने वाले व्यक्ति के लिए सरकार की ये इंस्ट्रक्शन है कि अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट यूज करना है तो वो या तो कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव यानी डायरेक्ट सेलर से परचेज करेगा या फिर कंपनी के ऑथराइज्ड पिकअप पॉइंट या डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट से ही परचेज करेगा। सिर्फ और सिर्फ तभी वो पर्टिकुलर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए जिम्मेदार ठहराई जा सकती है। यानी अगर आप किसी भी आउटसाइड रिटेल स्टोर से या किसी आउटसाइड ई कॉमर्स वेबसाइट से किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के नाम का कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी, क्वांटिटी और अदर लीगल एस्पेक्ट्स जैसे एक्सपायरी डेट, सर्टिफिकेशंस, इन सब की कंपनी की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। और बेचने वाले व्यक्ति के लिए इस डेफिनेशन के अनुसार इंस्ट्रक्शन ये है कि यदि आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ के एज अ डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हैं तो आप खरीदार को या तो डायरेक्ट खुद प्रोडक्ट सेल करेंगे या फिर अपनी कंपनी के पिकअप पॉइंट से ही प्रोडक्ट परचेज करवाएंगे। आउटसाइड रिटेल स्टोर्स या आउटसाइड ई कॉमर्स वेबसाइट्स के माध्यम से यदि कोई भी डायरेक्ट सेलर अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स सेल करता है तो इन सेल्स की कोई भी जिम्मेदारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की नहीं होगी और ना ही इन सारी सेल्स पे कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी किसी भी डायरेक्ट सेलर को किसी प्रकार की कोई इनकम या इंसेंटिव देने के लिए बाध्य होगी। बल्कि यदि कंपनी चाहे तो इस तरह से प्रोडक्ट्स बेचने वाले डायरेक्ट सेलर्स के खिलाफ कंपनी के नियमों के अनुसार कोई भी लीगल एक्शन ले सकती है। नंबर टू, डायरेक्ट सेलर। डायरेक्ट सेलर मींस अ पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी टू एंगेज इनटू द बिजनेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। यानी डायरेक्ट सेलर का मतलब है वो व्यक्ति जो ऑथराइज्ड होता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के द्वारा उस कंपनी के साथ जुड़ के डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने के लिए। अथॉरिटी जिसके पास है सिर्फ वही डायरेक्ट सेलर है। अथॉरिटी मतलब आपको मिलने वाला यूनिक बिजनेस कोड। ये यूनिक बिजनेस कोड आपको तब मिलता है जब किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में आपका रजिस्ट्रेशन होता है और रजिस्ट्रेशन तब तक नहीं होता जब तक आप कंपनी की टर्म्स, कंडीशंस एंड पॉलिसीज को एक्सेप्ट नहीं करते। यानी कि कंपनी के नियमों का पालन करने का और उनके अंदर रह के काम करने का लिखित में वादा जब तक नहीं करते तब तक आपको डायरेक्ट सेलर बनने की अथॉरिटी नहीं मिलेगी। ग्राहकों को भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सिर्फ ऑथराइज्ड डायरेक्ट सेलर से ही सामान खरीदें ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। नंबर थ्री, गुड्स और प्रोडक्ट्स।
गुड्स और प्रोडक्ट्स शैल हैव द सेम मीनिंग एज डिफाइंड इन द सेल ऑफ गुड्स एक्ट एंड सेक्शन 3 ऑफ जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897. That is, it shall include every kind of movable property other than actionable claims and money. यानी कि direct selling के अंदर भी goods या products का मतलब वो ही है जो sale of goods act में लिखा गया है और general clauses act 1897 के section 3 में लिखा गया है. उसमें क्या लिखा गया है? उसमें लिखा गया है कि it shall include every kind of movable property. यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट के रूप में हर प्रकार की मूवेबल प्रॉपर्टी का प्रचार किया जा सकता है और बेचा जा सकता है. मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब यह नहीं है कि जो प्रॉपर्टी एक जगह से दूसरी जगह ले जाई जा सकती है. मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है हर वो छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी चीज जिसके मालिकाना हक को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति ट्रांसफर किया जा सकता है. यानी हर वो चीज जिसका मालिक बदल पाना पॉसिबल है उसे मूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है और उसे प्रोडक्ट के रूप में डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा मार्केट किया जा सकता है और बेचा जा सकता है. इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि साथ में यह भी लिखा गया है अदर देन एक्शनेबल क्लेम्स एंड मनी. यानी कि एक्शनेबल क्लेम्स और मनी को डायरेक्ट सेलिंग में प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है. मनी यानी पैसा तो आप सब लोग जानते ही हैं, यानी कि मनी को ही एंड प्रोडक्ट या गुड्स के रूप में सर्कुलेट नहीं किया जा सकता है. अब सवाल यह है कि एक्शनेबल क्लेम्स का क्या मतलब है? इसको अगर उदाहरण से समझें तो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी डिस्काउंट कूपन्स और वाउचर्स को तो एज अ प्रोडक्ट सेल कर सकती है लेकिन लॉटरी के टिकट को एज अ प्रोडक्ट सेल नहीं कर सकती. ध्यान देना, 1000 रुपए का डिस्काउंट कूपन भी होता है और 1000 रुपए का लॉटरी का टिकट भी होता है. इन दोनों में फर्क क्या है इसे हम समझेंगे. पहले एक्शनेबल क्लेम को समझते हैं. देखो एक्शनेबल क्लेम क्या होता है, ध्यान देना. आपके द्वारा किसी और को दिया हुआ ऐसा उधार जिसके बदले में सामने वाले ने आपको किसी भी प्रकार की कोई सिक्योरिटी नहीं दी है, जैसे अपनी कोई चीज आपके पास गिरवी नहीं रखी है और ना ही आप उस उधार से किसी भी प्रकार की कोई इंटरेस्ट गेन कर रहे हो या किसी भी प्रकार का कोई अन्य बेनिफिट ले रहे हो. इस तरह का उधार ना तो गुड्स के अंदर काउंट होता है और ना ही सर्विसेज के अंदर काउंट होता है. अब लॉटरी के लिए आपने जो 1000 रुपया दिया उसके बदले में ना तो आपके पास सामने वाले ने अपनी कोई चीज गिरवी रखी और ना ही आपको उस पैसे पे कोई भी इंटरेस्ट मिल रहा है. अगर इस लॉटरी से आपको कुछ पैसा मिल भी जाएगा तो भी उसे प्रॉफिट नहीं बल्कि प्राइज मनी कहा जाएगा. इसीलिए इस लॉटरी टिकट पे जब आप क्लेम करते हैं तो उसे एक्शनेबल क्लेम कहा जाता है. इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा लॉटरी टिकट को सेल नहीं किया जा सकता क्योंकि यह ना तो गुड्स की कैटेगरी में है और ना ही सर्विसेज की कैटेगरी में आता है. जबकि डिस्काउंट कूपन, फ्री वाउचर्स या पासेस की यदि हम बात करें तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से जुड़े होते हैं. इनकी वजह से जो आपको फाइनेंशियल गेन होता है वो आपका प्रॉफिट होता है. दैट्स व्हाई डिस्काउंट कूपन्स और वाउचर्स को डायरेक्ट सेलिंग के द्वारा सेल किया जा सकता है. जिन लोगों को अब भी समझ में नहीं आया वो आसान भाषा में ऐसे समझें कि यदि कोई कंपनी आपको पैसे दे रही है और वो पैसे ना तो प्रॉफिट का हिस्सा है और ना ही आपको मिलने वाला किसी भी प्रकार का ब्याज है, लेकिन फिर भी कंपनी आपको पैसा दे रही है या देने का वादा कर रही है, तो ऐसी कंपनी डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के अनुसार इलीगल है. ये बात अपनी डायरी में फ्रंट पेज पे नोट कर लेना. क्राउड फंडिंग बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग प्लान और आपको मंथली फिक्स्ड इनकम देने का वादा करने वाले प्लान, इसी वजह से इंडिया में अब भी पूरी तरह से लीगल नहीं है. ये कंपनियां इलीगल हैं या नहीं ये फैसला करना मेरा काम नहीं है, ये फैसला करना कोर्ट का काम है. पर इस डेफिनेशन से, जो डेफिनेशन यहां बताई गई, इस डेफिनेशन से ये क्लियर हो जाता है कि ये कंपनीज लीगल तो नहीं है. इसीलिए ऐसी कंपनीज पे कोई ना कोई व्यक्ति कभी ना कभी केस कर ही देता है और फिर वो केस सालों तक चलता रहता है. ऐसे में इस टाइप के प्लान कितने भी ज्यादा प्रॉफिटेबल क्यों ना लगे पर आपको सुरक्षित करियर और भविष्य नहीं दे सकते. सो मेक श्योर कि जब भी आप कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्लान देखें तो उसमें आपको जो भी पैसा मिल रहा हो वो आपके और आपकी टीम के द्वारा जनरेट किए गए बिजनेस, यानी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपने और आपकी टीम ने मिलकर बेचे हैं उनसे कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ है उसी प्रॉफिट का हिस्सा हो.
एज अ डायरेक्ट सेलर करियर स्टार्ट करने के लिए ये बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। नंबर 4, कंज्यूमर यानी उपभोक्ता। एन इंडिविजुअल हु बाइज गुड्स और सर्विसेज फॉर पर्सनल यूज एंड नॉट फॉर मैन्युफैक्चर और रीसेल। यानी कंज्यूमर या उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए, ना कि उसे दोबारा बेचने के लिए। यानी कि किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से प्रोडक्ट तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए। उन्हें दोबारा बेचने या उनमें कुछ परिवर्तन लाके कोई नया प्रोडक्ट बना के बेचने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो उसे कंज्यूमर नहीं कहा जाएगा और उसके द्वारा एज इट इज या मॉडिफाई करके बेचे गए प्रोडक्ट्स की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट को बेचने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्ट सेलर के पास ही होता है, और वो भी उस प्रोडक्ट को मॉडिफाई किए बिना। नंबर 5, सेल्स इंसेंटिव। सेल इंसेंटिव मींस शेयर ऑफ प्रॉफिट पेएबल टू द डायरेक्ट सेलर फॉर इफेक्टिंग सेल ऑफ गुड्स और प्रोडक्ट्स एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द डायरेक्ट सेलर एंड द डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। सेल्स इंसेंटिव उस इनकम या आमदनी को कहते हैं जो एक डायरेक्ट सेलर को डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के द्वारा मिलती है प्रोडक्ट्स की बिक्री को प्रभावित करने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए। सेल्स इंसेंटिव हर हालत में शेयर ऑफ प्रॉफिट ही होता है, किसी प्रकार का ब्याज या सैलरी नहीं होता, और यह फ्लक्चुएट करता है, यानी कि घट बढ़ सकता है आपके एफर्ट्स के आधार पे। सेल्स इंसेंटिव कितना मिलेगा और कब मिलेगा ये क्लियरली डिफाइंड होता है उस कॉन्ट्रैक्ट में जो कि कंपनी और डायरेक्ट सेलर के बीच में होता है, लिखित में। सो ये हैं सबसे बेसिक 5 ऐसे शब्द जिनका सही सही मतलब समझ में आना हर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ऑनर के लिए बहुत जरूरी है। जब आप इन वर्ड्स को अच्छे से समझ सकते हैं तब ही आप उन गाइडलाइंस को भी अच्छे से समझ पाएंगे जो इंडियन गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए बनाई हैं। इस वीडियो में हमने जो डेफिनेशंस बताई हैं वो डेफिनेशंस राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा 2012 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए बनाई गई गाइडलाइंस से ली गई हैं। बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा गाइडलाइंस बनाई गई उन गाइडलाइंस में भी इन डेफिनेशंस को एज इट इज लिया गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पिरामिड स्कीम्स के बारे में गाइडलाइंस में क्या लिखा हुआ है, यानी पिरामिड स्कीम्स की डेफिनेशन क्या है, और पिरामिड स्कीम तथा डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में बेसिक डिफरेंस क्या है। लेट्स रीड द डेफिनेशन, फिर हम इसे हिंदी में समझेंगे। Pyramid schemes means a multi-layered network of subscribers to a scheme formed by subscribers enrolling one or more subscribers in order to receive any benefit directly or indirectly as a result of enrollment, action or performance of additional subscribers to the scheme. The subscribers enrolling further subscribers occupy higher position and the enrolled subscribers lower position. Thus, with successive enrollments, they form multi-layered network of subscribers. Provided that the above definition of a pyramid scheme shall not apply to a multi-layered network of subscribers to a scheme formed by a direct selling entity, which consists of subscribers enrolling one or more subscribers in order to receive any benefit directly or indirectly, where the benefit is as a result of sale of goods or services by subscribers, and the scheme or financial arrangement complies with all of the following. A. It has no provision that a direct seller will receive remuneration or incentives for the recruitment, enrollment of new participants. B. It does not require a participant to purchase goods and services, number 1, for an amount that exceeds an amount for which such goods or services can be expected to be sold or resold to consumers. And number 2, for a quantity of goods or services that exceeds an amount that can be expected to be consumed by or sold or resold to consumers. C. It does not require a participant to pay any entry or registration fee, cost of sales demonstration, equipment and materials or other fees relating to participation. D. It provides a participant with a written contract describing the material terms of participation. E. It allows or provides for a participant a reasonable cooling off period
टू पार्टिसिपेट और कैंसिल पार्टिसिपेशन इन द स्कीम एंड रिसीव अ रिफंड ऑफ एनी कंसिडरेशन गिवन टू पार्टिसिपेट इन द ऑपरेशन. एफ, इट अलाउज और प्रोवाइड्स फॉर अ बायबैक और रीपर्चेज पॉलिसी फॉर करेंटली मार्केटेबल गुड्स और सर्विसेज सोल्ड टू द पार्टिसिपेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पार्टिसिपेंट एट रीजनेबल टर्म्स. एंड जी, इट एस्टैब्लिशेस अ ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर कंज्यूमर्स. सो दिस इज द डेफिनेशन. अब इसे हम हिंदी में समझते हैं. देखिए, समझने की बात यह है कि पिरामिड स्कीम्स का स्ट्रक्चर और एमएलएम में किसी भी डायरेक्ट सेलर के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का स्ट्रक्चर लगभग एक जैसा ही दिखता है. जिस तरह से असली हीरे और नकली हीरे में फर्क हर कोई नहीं कर पाता है, ठीक उसी तरह से पिरामिड स्कीम्स और रियल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में भी फर्क हर कोई नहीं कर पाता है. इसीलिए गाइडलाइंस के अंदर पिरामिड स्कीम्स की डेफिनेशंस तो दी ही गई हैं, साथ ही असली डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और पिरामिड स्कीम्स में अंतर को स्पष्ट करने के लिए 7 मुख्य पॉइंट्स लिखे हुए हैं. और लिखा गया है कि जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन 7 पॉइंट्स को फॉलो कर रही होगी, उसका नेटवर्क स्ट्रक्चर भले ही पिरामिड जैसा दिखे, लेकिन उसे पिरामिड स्कीम नहीं माना जाएगा. डेफिनेशन के अनुसार पिरामिड स्कीम उसे कहा जाता है जो कि एक योजना के तहत लोगों के द्वारा बनाया गया एक बहुस्तरीय यानी मल्टी लेयर्ड नेटवर्क होता है. इसमें शामिल लोग और भी नए नए लोगों को इसमें शामिल करते हैं ताकि उन्हें नए लोगों को सदस्य बनाने का तथा नए लोगों के कार्य का किसी भी तरह का परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो सके. जो सदस्य और नए सदस्यों को शामिल करते चले जाते हैं, वो लोग नेटवर्क में और ऊपर होते चले जाते हैं तथा नए लोग निचले स्तर पर आते चले जाते हैं. और इस प्रकार से एक बहुस्तरीय यानी मल्टी लेयर्ड नेटवर्क बनता चला जाता है. इसे ही पिरामिड स्कीम कहा जाता है. हालांकि पिरामिड स्कीम्स की ये डेफिनेशन उस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगी. ध्यान देना, पिरामिड स्कीम्स की ये डेफिनेशन उस सिचुएशन में अप्लाई नहीं होगी जब एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अपनी योजना के तहत एक मल्टी लेयर्ड नेटवर्क क्रिएट करती है, जिसमें योजना में पहले से जुड़े लोग और नए लोगों को योजना में शामिल करते हैं ताकि उन्हें नए लोगों द्वारा स्कीम के तहत खरीदे हुए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से लाभ प्राप्त हो सके तथा वो योजना निम्नलिखित बिंदुओं को भी फॉलो करती हो. नंबर 1, वो योजना डायरेक्ट सेलर्स को नए लोगों को सिर्फ जोड़ने का पैसा ना बांट रही हो. नंबर 2, उस योजना में ना तो लोगों को मामूली चीजें हद से ज्यादा महंगे दामों में बेची जा रही हो और ना ही ग्राहकों पर उनकी जरूरत से ज्यादा सामान खरीदने का दबाव बनाया जा रहा हो. नंबर 3, कंपनी के सेल्स डेमोन्स्ट्रेशन में शामिल होने के लिए किसी भी प्रकार की रजिस्ट्रेशन फीस या एंट्री फीस चार्ज ना की जाती हो. नंबर 4, योजना में शामिल होने की टर्म्स और कंडीशंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखित में होनी चाहिए. यहां एक शब्द यूज किया गया है, मटेरियल टर्म्स. बायबैक पॉलिसी, रीपर्चेज पॉलिसी, कूलिंग ऑफ पीरियड, वारंटी एंड रिफंड पॉलिसी, मटेरियल टर्म्स इन्हीं को कहा जाता है. नंबर 5, स्वेच्छा से कभी भी योजना से बाहर आने का कुछ ना कुछ टाइम पीरियड जरूर मिलना चाहिए. इसी को कूलिंग ऑफ पीरियड कहा जाता है. और यदि इस टाइम पीरियड में कोई व्यक्ति बाहर निकलना चाहता है तो उसे उसके सारे रिफंड्स मिलने चाहिए. नंबर 6, बायबैक और रीपर्चेज की पॉलिसी होनी चाहिए ताकि पार्टिसिपेंट की रिक्वेस्ट पर उन प्रोडक्ट्स की वापसी हो सके जो पुनः बेच सकने की अवस्था में हों. और नंबर 7, ग्राहकों की समस्याएं सुनने व उन्हें दूर करने की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए. ये 7 बेसिक पॉइंट्स जो भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी फॉलो कर रही है और योजना में शामिल लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की बिक्री पर ही पैसा देती है, तो ऐसी कंपनी का नेटवर्क स्ट्रक्चर भले ही बाइनरी हो या जनरेशन, इन्हें पिरामिड स्कीम नहीं कहा जाएगा. दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में कोई एक बात भी समझ में आई है तो अब आपकी बारी है अपना फर्ज निभाने की, इस वीडियो को हर नेटवर्कर तक पहुंचाने की. इस वीडियो को WhatsApp और Facebook के माध्यम से इतना शेयर करो कि अगर ये वीडियो घूमकर किसी ने आपको ही शेयर कर दी तो समझ लेना कि आपकी कोशिश सफल हो गई, क्योंकि सही जानकारी आप तक पहुंचाना मेरा फर्ज है और लोगों तक पहुंचाना आपका. आप और हम जब अपना अपना काम ईमानदारी से करेंगे तभी तो हमारा देश डेवलप होगा. मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट.